हेलो स्टूडेंट्स, सो यार फाइनली जो है CUET का रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है। 14 अगस्त को रिजल्ट लॉन्च हो रहा है, तो अब अपन देख लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स की अपडेट की क्या एडमिशन के रिगार्डिंग क्या सारा सीन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है वो ओपन हो चुका है एडमिशन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं यार अपन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ AMU, ओके, इसका क्या प्रोसेस है और क्या अपडेट दिया है यूनिवर्सिटी ने आपको, जो है इसके रिगार्डिंग पोर्टल जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सारी की सारी जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के रिगार्डिंग जो है कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। जैसा कि अगर अपन जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है एडमिशन्स और एग्जाम वाले पोर्टल पर चले जाना है, ओके। तो आप जैसे ही इस पोर्टल पर जाते हैं आपको जो है ये एक नया विंडो ओपन होता है, जैसा कि ये देख सकते हो, और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है पोर्टल यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशल UG के लिए और PG के लिए जो सारी की सारी अपडेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही हम जो है इस पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या अपडेट मिलता है MU की तरफ से, चलिए गाइस देख लेते हैं, ओके। तो यार MU में अगर अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग दिस कोर्सेस कि भैया मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है बेसिकली, ओके। सो जस्ट ये कुछ इसके अंदर इश्यू आ रहा है, अभी लॉगिन मांग रहा है डायरेक्टली, ओके। सो तो यार जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे अपना CUET का रोल नंबर डालना है, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है, और जो है जस्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, और डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आप जो सबमिट करोगे तो आप जो यार उन्हीं कोर्सेज में लॉगिन कर पाओगे जो कि आपने अप्लाई किए थे CUET के पोर्टल पे, और जो आप अपने यहाँ से प्रेफरेंस दे सकते हो कि मैंने कौन सा कोर्स चाहिए मेरे को, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा आपने अप्लाई किया था, राइट। तो वो सारा का सारा जो सीन है यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो आपको नोटिस कहाँ पे मिलेगा इसके रिगार्डिंग, ओके, तो यार काउंसलिंग पोर्टल जो है जैसा कि देख सकते हो डिसीजन ओपन प्रेजेंट टाइम, ओके। सो जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद जस्ट हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसके रिगार्डिंग कि क्या सारा सीन रहने वाला है, ओके। सो तो यार अपन जो है शेड्यूल देख लेते हैं अभी क्या शेड्यूल का क्या सिनेरियो है। तो यार नोटिस आ रखा है शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो जस्ट काउंसलिंग शेड्यूल की अगर अपन बात करें इसके MU का, तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करना है, और जस्ट यहाँ पे जस्ट देख सकते हो काउंसलिंग कम शेड्यूल, तो इस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलता है, तो नई विंडो में क्या दिखता है हमको results.AMU, ओके। तो यार अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग दिया गया है, तो जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द 12 सितंबर और एंड डेट है 14 सितंबर, ओके। सो जो भी आपका जो पोर्टल था वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, एंड यार ये BSc एग्रीकल्चर के लिए है, ओके। रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड चॉइस फिलिंग, ओके। देन उसके बाद 15 सितंबर से 17 सितंबर तक आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं 18 सितंबर को फिर से सबमिट कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से ये चलेगा। अलॉटमेंट कब आएगा वो भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यार देख सकते हो काफ़ी अर्जेंट अपडेट है MU की तरफ से कि काफ़ी सारे कोर्सेज के जो है आने लगे हैं काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस। अगर अपन बात करें यहाँ पे इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के लिए क्या सीन है सारा, सो BTech के लिए देखते हैं अपन। तो गाइस 5 सितंबर से 9 सितंबर देख सकते हो, 6 तारीख को फिर से रिवाइज हुआ है ये इन कोर्सेज के लिए।
सो इस प्रकार से ये सारा का सारा चेंज चल रहा है स्पेशल फॉर द बीटेक। ठीक है, तो सारे बच्चे सतर्क रहेंगे। इसके साथ ही आप लोग जो है हमारा पेड काउंसलिंग प्लान्स भी ले सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो यार इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी अर्जेंट अपडेट आता है, डिटेल्स आती है स्पेशल फॉर द काउंसलिंग शेड्यूल। ओके, ये 2023 के लिए। अब भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है, किस कोर्सेज के लिए कितना क्या कट ऑफ रहेगा, सो यार वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या सारा कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ के लिए वैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा था कि कट ऑफ किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो आपका कोई एक डोमेन है, लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर 40 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 × 5 कर सकते हो जो कि 200 बनता है। तो आपने जो जितने भी एग्ज़ाम दिए थे मान लो, ठीक है, मान लो आपने एक डोमेन दिया, ठीक है, एक लैंग्वेज दिया, सॉरी दो डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, तो आपके टोटल 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए तो आपका 800 का पेपर बनता है। उसी प्रकार अगर आपने 5 दिया हो, जैसे 3 डोमेन, ठीक है, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, देन आपका सॉरी तीन बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही दिए थे तो उनका 600 का बनता है। सो जिन भी बच्चों के एटलीस्ट जिन्होंने 65-70% स्कोर किया है, 70% स्कोर किया है CUET में, वो ऑलमोस्ट ऐसे मान सकते हो कि सेफ हो एडमिशन के लिए, और आपका किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन्स हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये एडमिशन प्रोसेस काम करता है। और यार ये एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, क्वारी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।